बचाई सिंधिया की पहली लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सिंघिया में हो रहे नगर पंचायत चुनाव का प्रचार प्रसार आज थम गया है। बिहार में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में हो रहे सिंघिया नगर पंचायत चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है। सोमवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अभ्यर्थी गली मोहल्ला व चौक चौराहों पर पदयात्रा सभा व रैली निकालकर अपने समर्थकों के साथ पदयात्रा कर अपार समर्थन दिखाते हुए मतदाताओं को रिझाने के लिए प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और धुआंधार चुनाव प्रचार किया गया। वही चुनाव प्रचार प्रसार के आखिरी दिन नुक्कड़ नाटक सभा का कार्यक्रम भी जनता को देखने को मिला है, जिसके बाद शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरह से थम गया। वहीं अब अगर कोई प्रत्याशी प्रचार करता है तो यह आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और कानून सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं 28 दिसंबर को मतदान होना है और 30 दिसंबर को मतगणना भी कराई जाएगी। साथ ही आपको बताते चले, निर्वाची अधिकारी, सहायक निर्वाची अधिकारी वो निर्वाचन कर्मी दिन भर सामग्री वितरण को लेकर तैयारियों में जुटे हुए थे। मतदान कर्मी ईवीएम लेकर मतदान केंद्र प्रस्थान कर चुके हैं। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं सीओ अरुण कुमार ने बताया कि मतदान में कोई खलल ना डाले इसके लिए सुरक्षा का चाक चौवन व्यवस्था किया गया है। हर बूथ पर सशस्त्र बल लगाया गया है। मतदान कर्मी को किसी प्रत्याशी से किसी प्रकार का मेल जोल नहीं रखने की हिदायत दी है। वहीं दूसरी ओर मतदान का समय नजदीक आते ही प्रत्याशियों की धड़कन तेज होती नजर आ रही है। वहीं प्रत्याशी मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वही नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार सिंघिया नगर पंचायत की कुर्सी पर कौन बैठता है। प्रेजेंटिंग वन टीवी भारत ऐप, लेटेस्ट अपडेट्स अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड प्ले स्टोर इट नाउ।